हेलो दोस्तों आपका स्वागत है जियो एकेडमी में बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करा रहा है तो मैंने सभी सिलेबस के वीडियो अपलोड कर दिए हैं इस वीडियो में हम अर्थ साइंस जियोलॉजी का सिलेबस देखेंगे दो घंटे का पेपर होगा और हंड्रेड मार्क्स का रहेगा तो चलिए देख लेते हैं कि, कि कैसे कैसे पार्ट में डिवाइड रहेगा पार्ट ए में रिसर्च मेथोडोलॉजी तो से फिफ्टी क्वेश्चंस रहेंगे पार्ट बी में रहेगा आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन तो चलिए अपन देख लेते हैं नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी ओ एम आर बेस पे क्वेश्चन रहेगा मतलब ऑफलाइन पेपर होगा ओ एम आर बेस पे पेपर होगा ठीक है रिसर्च मैथडोलॉजी पार्ट ए फिफ्टी क्वेश्चंस ये मुझे लगता है ये आपके सब्जेक्ट के टॉपिक्स हैं है ना रिसर्च मैथडोलॉजी को थोड़ा अपोजिट कर लिया है इन लोगों ने ए में रखना चाहिए रिसर्च मेथोडोलॉजी लेकिन अंदर तो देखो ये सिलेबस दिया हुआ है आपके सब्जेक्ट का है ना तो अपन आपके सब्जेक्ट का देख लेते हैं फर्स्ट यूनिट है ओरिजिन ऑफ एज ऑफ अर्थ सिस्मोलॉजी इंटीरियर ऑफ ऑर्थ इंटीरियर ऑफ अर्थ वोल कैनो देर एंड देर टाइप्स एलिमेंट्स एंड टाइप्स ऑफ वोल्ड एलिमेंट्स ऑफ द फॉल्ट ये सारी चीज़ें आएंगी। सेकेंड यूनिट में कंडीशन ऑफ़ दाइजेशन एंड मोड्स ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ फोसल्स यूज ऑफ फोसल्स मार्फोलॉजी ये सारी चीज़ें आएँगी किसमें सेकेंड यूनिट में आप इसको व्यू के साइट से भी डाउनलोड कर सकते मैं एक जनरल आइडियाज़ के लिए मैंने वीडियो बनाया है ये पार्ट आपका वी है लेकिन इन लोगों ने पी बनाई है तो पार्ट ए कर दिया है आपके सब्जेक्ट को ठीक है इसलिए मैं आपके सब्जेक्ट को बता रही हूँ यूनिट थर्ड इसमें एलिमेंट्री आइडियाज़ ऑफ द जियो 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 कॉन्सेप्ट ये सारी चीज़ें रहेंगी जिसमें कॉन्सेप्ट रॉक डिफॉर्मेशन स्टेट एंड स्ट्रेन चलिए अपन और देख लेते हैं फोर्थ यूनिट में रहेगा जियो इन्वामेंटल कॉम्पोनेंट्स वाटर सॉयल जियोलॉजिकल हज़ार देयर माइटिगेशन इम्पैक्ट ऑफ माइनिंग ऑन ऑन ठीक है? ये सारी चीज़ें किस में हैं यूनिट फोर्थ में यूनिट फिफ्थ में रोल ऑफ जियोलॉजिस्ट इन इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट एंड इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट प्रॉपर्टीज ऑफ रॉक सॉयल इम्पोर्टेंट टर्मोलॉजी टाइप्स ऑफ डैम्स टनल्स ये सारी चीज़ें रहेंगी आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे फिफ्टी क्वेश्चन रहेंगे ये सजेस्ट की गई है बुक जो आपने पी में पढ़ी है वही उन्हीं से आप पढ़ना आप इसकी तैयारी के लिए अब ये है पार्ट ए लेकिन इसमें लिखा है पार्ट बी फिफ्टी क्वेश्चन रिसर्च मैथडोलॉजी का टॉपिक्स देख लेते हैं क्या क्या यूनिट फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू द रिसर्च मैथडोलॉजी ऑब्जेक्टिव्स एंड टाइप्स ऑफ रिसर्च प्रोसेस स्टेप इन द रिसर्च मैथडोलॉजी रिसर्च प्रपोजल एंड कॉन्सेप्ट इसी तरीके से सेकेंड यूनिट रिसर्च डिजाइनिंग मीनिंग एंड नीड कॉन्सेप्ट डिफरेंट रिसर्च डिजाइन फील्ड प्रोसीजर इन द जियोलॉजिकल मैपिंग प्रिपरेशन ऑफ द जियोलॉजिकल मैप एंड देयर इंटरप्रटेशन सैम्पलिंग फील्ड मैथड यूज इन द अर्थ साइंस एंड जियोलॉजी इसी तरीके से थर्ड यूनिट में रहेगा बेसिक स्टैटिकल मैथड यूज इन द अर्थ साइंस जियोलॉजिकल देयर इंटरप्रिटेशन मैथड ऑफ मैथड्स मैथडोलॉजी फॉर इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट रिसर्च मैथडोलॉजी रिलेटेड टू द हाइड्रो जियोलॉजिकल स्टडीज इसी तरीके से यूनिट फोर्थ सैटेलाइट एंड डेटा इंटरप्रिटेशन ऑफ द जियोलॉजिकल हाइड्रोजियोलॉजिकल स्टडीज स्ट्रक्चरल एंड डिजास्टर मैनेजमेंट स्टडीज ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा यूजिंग कंप्यूटर टेक्निक्स फिफ्थ यूनिट रहेगा प्रिपरेशन ऑफ माइनर एंड मेजर रिसर्च प्रोजेक्ट प्रपोजल इन्फॉर्मेशन ऑफ वेरियस फाइंडिंग एजेंसी इन द इन आर्थ साइंस जियोलॉजी इसी तरीके से थर्ड ए फॉर्मेट फॉर द राइटिंग थीसिस रिपोर्ट एंड अ रिसर्च पेपर बुक रिकमेंडेड करी गई है ये है आपकी बुक्स रिसर्च मैथडोलॉजी सी आर कोथारी वैसे आप एक ही बुक से पहना जो आप जैसे नट की तैयारी कर रहे हैं एंड थैंक यू